सुबह मैंने चाय पी, तो गाइस इसका रेट भी अभी 1.5 दिरहम हो चुका है। फिलहाल अभी मैं सेविंग करके निकल चुका हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरा लगा 5 दिरहम, यानी कि इंडिया कैलकुलेट करते हैं तो अभी उस हिसाब से 100 रुपए में हमने कराई सेविंग। ड्राइविंग का मजा मुझे यहाँ पे बहुत आता है, क्योंकि गाइस इन सड़कों में अधिकतर मैं अकेला ही होता हूँ। देखो कितने सुहाने सुहाने पहाड़ है। जो रोटी है इसका प्राइस है 1 दिरहम और ये 14 दिरहम की है, जिसमें आपको सलाद फ्री मिलता है। गाइस तो कैसे है, तो आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ दिन से, तो अभी आज ऑफिस में था और अभी ऑफिस से फील्ड में निकला हूँ, तो अभी मैं फुजेरा में हूँ। जैसे कि आप मेरे पीछे देखो, ये जो बैकग्राउंड दिख रहा है ना, ये बिल्कुल गांव है। जैसे अपने वहाँ गांव होते हैं वैसे यहाँ पे गांव भी होते हैं, तो गांव में ऐसे सूखे सूखे पहाड़ हैं यहाँ पे, तो बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी। अभी जो टेम्परेचर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो गाइस 40 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर हो रहा है। और मैं अभी जा रहा हूँ यहाँ पे डिब्बा करके जगह है, अगर गाइस पहाड़ों की बात करूँ तो यूए में बहुत जगह पे माउंटेन्स है। अगर आप रसल खेमा जाते हैं या आप जाते हैं फुजेरा, तो इन एरियाओं में ना सारे पहाड़ है, क्योंकि ना गाइस जो ये एरिया है ये आपको ओमान से लगता है, यानी कि ओमान के बॉर्डर पे आता है, तो अधिकतर इन एरिया में ना आपको पहाड़ दिख जाएंगे। और उसके बाद अगर आप दुबई या अबू धाबी साइड में जाते हैं, उधर आपको प्लेन या रेत वगैरह मिलेंगी। इस तरफ रेत वगैरह नहीं देखने को मिलती, इस तरफ आपको पहाड़ देखने को मिलते हैं। और जो सीमेंट वगैरह है, जैसे सीमेंट के पहाड़ भी हैं, काफ़ी कुछ है। तो आगे अभी तो दुबई में नौकरी कर ही रहे हैं, तो आगे जितने भी मतलब नई नई चीज़ें आएंगी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आई होप आपको वीडियो में मज़ा आएगा। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये है कैमरा यहाँ पे, अगर स्पीड ज़्यादा होती है तो सीधा इसमें आता है फाइन। ये है यहाँ का पेट्रोल पम्प, तो यहाँ पे एडनॉक इनॉक इमारात पेट्रोल पम्प होते हैं। अभी जो करंट रेट चल रहा है ना पेट्रोल का, वो चल रहा है 3 दिरहम पर लीटर, यानी कि इंडिया का 60-61 के हिसाब से चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे भी ना महंगाई स्टार्ट हो चुकी है। और अभी मैंने चाय पी, तो गाइस इसका रेट भी अभी 1.5 दिरहम हो चुका है। फाइनली आपको मिलाते हैं बिलाल भाई से, तो ये आपको मुबारक जो आपने हमको बुलाया नहीं खिलाया नहीं उसके लिए। बुलाया था, आप आए नहीं अभी। कहाँ बुलाया, कैमरे के आगे झूठ मत बोलो। नहीं नहीं अभी आपने बोला ट्रीट दो मैं देर। अच्छा गाइस मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, मैंने ना एक नई चीज खरीदी। बिलाल भाई वो स्प्रे दिखाना, ये वो मार के देखो कैसा है, मस्त है। सही लग रहा ना खुशबू। सो गाइस गाड़ी से ना अभी गर्मी बहुत है ना, स्मेल आती रहती है, तो मैंने ये स्प्रे लिया, तो बताना कैसा लगा। और खुशबू तो मुझे पता है अच्छी आ रही है। तो अगर आप बिलाल भाई को नहीं जानते हैं, तो बिलाल भाई मेरे साथ में काम करते हैं और अब पहले भी हमने ब्लॉग बना रखे, तो वो भी चेक करना। तो आज की ट्रीट आप दे रहे हैं ईद की कि मैं वेकेशन की दे रहा हूँ, क्या सीन है? देंगे ना पहले तो ईद आई थी आपकी, अगली जो ईद आ रही है वो मैं दूंगा ना। अच्छा तो गाइस अभी चलते हैं, खाना खाते हैं, फिर आपसे उधर ही बात करते हैं। सो गाइस हमने यहाँ पे ऑर्डर किया मटन कढ़ाई, और देख सकते हैं अभी भी पक्की आ रही है। और रोटी, जो रोटी है इसका प्राइस है 1 दिरहम और ये 14 दिरहम की है, जिसमें आपको सलाद फ्री मिलता है। गाइस सीन ही हो रहा है ना, अभी यहाँ पे बिलाल भाई को शर्म आ रही है ब्लॉग बनाने में, ये कह रहे हैं कि पैसे मैं ही दे दूंगा तो ब्लॉग मत बना। पर गाइस क्या है ना, आपको बताना जरूरी है, और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ पेशावर। गाइस ये जो निशान देख रहे हैं ना, ये पेशावर का निशान है, मतलब वहाँ पे ऐसी कोई जगह, जैसे हमने वहाँ इंडिया गेट है ना वैसे ही वहाँ पे ऐसा है। अभी हम जो बैठे हैं ना, पाकिस्तान रेस्टोरेंट में बैठे हैं और ये पेशावर में। तो मैं आपको कहना चाहूँगा ऐसा, अगर आप दुबई घूमने आते हैं ना, क्योंकि हम तो कभी पाकिस्तान जा नहीं सकते हैं, अगर आप दुबई घूमने आते हैं ना, तो एक बार आप ना पेशावरी खाना ट्राई करें, आपको मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अभी हम खाते हैं, तो फिर आपको बताते हैं, टेस्ट रिव्यू देते हैं, फूड रिव्यू। बिलाल भाई से रुका नहीं गया, फटाफट पेल रहे हैं। हमें जो खाना सर्व किया ना भैया ने किया है, और ये पठान है, जैसे कि मूवी आने वाली शाहरुख खान की पठान, तो ये भी है। और ये फ्री है, 1 दिरहम। तो गैस ये जिसे हम रायता कहते हैं भाईजान लोग चटनी कहते हैं, तो अभी हम फटाफट से खाना खाते हैं और फिर ये और ख़त्म होगा थोड़ा देंगे फ्री में। तो गैस ये फ्री मिल जाएगा, रोटी नहीं है ना फ्री। मजाक करना, तो गैस थोड़ा बहुत मजाक करना भी जरूरी है यार, क्योंकि ना यहाँ लोग बहुत थके हुए होते हैं। अभी फटाफट से खाना खाते हैं, फिर आपको टेस्ट भी देते हैं। रेस्टोरेंट में अभी हमने खाना खाया, और गाइस मैं आपको बता दूं, अभी ना मैं बिल्कुल ये गांव जैसे इलाके में हूँ। आप मेरे पीछे देखो, ये आसपास ये पूरे पहाड़ी इलाके हैं, तो गांव में गाइस इंडियन खाना मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। इंडियन बोलने से अपने नॉर्थ साइड का खाना मिलना मुश्किल होता है। अभी जो साउथ के हैं केरला वाले रेस्टोरेंट, वो मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती। और गाइस एक गलती ये होगी कि ना मैं अपना चश्मा इंडिया में भूल गया, तो अभी बहुत जल्द चश्मा भी लेना पड़ेगा। अभी यहाँ से निकलते हैं बिलाल भाई अपने डेस्टिनेशन पर, और मैं भी अपने डेस्टिनेशन में, जिस काम के लिए आया था वो काम हो गया, और बिलाल भाई मैंने खाना भी खा लिया और मेरा काम भी हो गया, तो अभी चलते हैं बिलाल भाई, फिर मिलेंगे है ना, कल मिलते हैं है ना, कल मिलते हैं। तो चलो फिर अलविदा। और जूम करता हूँ तो आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं ऊँट। देखो गाइस इतना खूबसूरत व्यू आ रहा है,
अभी हमारा काम फुल एंड फाइनल खत्म हो चुका है और मैं सोच रहा हूँ कि यार थोड़ी शेविंग करा लूँ। यहाँ से अभी इंडिकेटर देखे, सीधा लाइन चेंज करना स्टार्ट किया और देख सकते हैं गाइस गाड़ियाँ कितनी स्पीड में यहाँ भाग रही है और बहुत स्पीड है गाड़ियों की। तो अभी हम भी धीरे धीरे स्पीड पकड़ेंगे, तो अभी 120 तक हम पहुँच चुके हैं फिलहाल। अभी मैं शेविंग करके निकल चुका हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरा लगा 5 दिरहम, यानी कि इंडिया कैलकुलेट करते हैं तो अभी उस हिसाब से 100 रुपये में हमने कराई शेविंग। मैंने पेड़ के नीचे नहीं करवाया क्योंकि यहाँ पे पेड़ के नीचे काटना अलाउड नहीं है। दुकानों में अभी काफ़ी दुकानों में आप जाएंगे ना तो कटिंग और शेविंग के रेट कम कर दिए हैं, कहीं कहीं पर ऐसे 5 दिरहम 10 दिरहम, तो यानी कि अगर आप मतलब सस्ते ऑफर में आते हैं यानी 15 दिरहम में बाल और शेविंग करवा सकते हैं। मैंने करवा लिया और काफ़ी थक चुका हूँ यार। और इसके अलावा ऐसा नहीं है कि और काफ़ी एक्सपेंसिव है, यहाँ तक कि जब मैं शुरू में नया नया दुबई आया था तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था, तो मैंने करीबन 25 दिरहम में भी बाल कटवाए, यानी कि इंडिया का आप बोल सकते हैं कि 500 रुपये में भी मैंने बाल कटवाए हैं। और कोई भी सवाल आपके मन में, तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, तो आप कमेंट करना, आपको कोई भी सवाल हो मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा कि आपको जवाब दूँ उस चीज़ का। अभी मैं दुबई में हूँ तो आपकी पूरी कोशिश करूँगा। और गाइस अभी बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, अभी घर जाना है, घर जाने से पहले मुझे लेने हैं 1 किलो प्याज क्योंकि घर में ना प्याज खत्म हो गया। और इस ब्लॉग को मैं अभी यहीं पे एंड कर दूँगा क्योंकि रास्ते में ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। तो बस ये आज छोटा सा ब्लॉग था कि अगर आप दिन में अगर बाहर खाना खाते तो कितना खर्चा आता है, और सबसे सस्ता दिन का खाना हमने खाया यानी कि 20 दिरहम में हमने दो लोगों ने पेट भर के खाना खाया, यानी कि इंडिया का 400 रुपये। और बस अभी घर जा रहे हैं, तो हालत देखो गाइस ऐसी होता है, सुबह ऑफिस से निकले, काम किया, खाना खाया, अभी घर जा रहे हैं, खाना खाएंगे, फिर सो जाएंगे, फिर सुबह उठेंगे, फिर ऑफिस। तो इस वीडियो करते हैं एंड, हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अंडिल दैन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद जय भारत।